नमस्ते फ्रेंड, आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रेन मूवमेंट कि ट्रेन का मूवमेंट के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले ट्रेन की मूवमेंट के निम्न फैक्टर डिपेंड करते हैं, जो ट्रेन को मूवमेंट होने के लिए निम्न फैक्टर क्या क्या डिपेंड करते हैं उसको देखते हैं। पहला, नेचर ऑफ रूट। रूट का जो नेचर क्या होता है वो भी उसके किस पर डिपेंड करते हैं, मूवमेंट पर, उसमें कौन सा रूट पर उसको हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। दूसरा होता है डायमीटर ऑफ व्हील्स, डायमीटर ऑफ पिनियन, इफिशेंसी ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट एंड एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन ऑफ ट्रेन एंड व्हील्स। जो ट्रैक और व्हील के बीच जो फ्रिक्शन होता है उस पर भी डिपेंड करता है ट्रेन का मूवमेंट। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि व्हील्स में कितना एफर्ट रखता है या ट्रैक्टिव फोर्स कितना लगता है। ठीक, तो ये क्या है, पहला हम लोग का आर्मेचर ऑफ ट्रैक्शन मोटर, जो ट्रैक्शन मोटर का है वो उसका आर्मेचर है, और उसका पिनियन ऑफ मोटर, ये इसके इनर पार्ट में उसका पिनियन है मोटर का। ठीक, जिसका डायमीटर D1 है, और इसका जो F1 है, F- है, ये किसका है, फोर्स है, किसके लिए, पिनियन के लिए। और सेकेंड रोड व्हील्स का डायमीटर है D, और गियर व्हील्स का डायमीटर है d, और F है हम लोग का फोर्स ऑन व्हील, और F- है फोर्स ऑन पिनियन, जो पिनियन पे लगने वाला फोर्स है ये, और ये गियर व्हील्स पर लगने वाला फोर्स है। ठीक, तो जिसमें D- हम लोग का डायमीटर ऑफ पिनियन हो गया, और d हो गया डायमीटर ऑफ गियर व्हील्स, D हो गया डायमीटर ऑफ रोड व्हील्स, एंड मीटर्स में तीनों डायमीटर्स मीटर्स में रहेगा, और फाइनली F- हम लोग का फोर्स ऑफ पिनियन के लिए, और F है फोर्स ऑफ व्हील्स के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इस टोटल व्हील्स में जो ट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रैक्शन मोटर में टॉर्क कितना होगा। सबसे पहले ट्रैक्शन मोटर में हम लोग का टॉर्क है क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये क्या है ट्रैक्शन मोटर का टॉर्क। अब ये ट्रैक्शन मोटर का टॉर्क किस में ट्रांसफ़र होगा, पिनियन में। ये ट्रैक्शन मोटर का जो टॉर्क होगा वो पिनियन में ट्रांसफ़र होगा, तो पिनियन के लिए हम लोग के लिए क्या हो जाएगा टॉर्क, पिनियन के लिए टॉर्क हो जाएगा F- और पिनियन का डिस्टेंस है D-2। ये हम लोग का हुआ पिनियन में ट्रांसफ़र, ये टॉर्क था हम लोग का ट्रैक्शन मोटर का, और यही टॉर्क किसमें कन्वर्ट ट्रांसफ़र होगा, पिनियन मोटर पर, यही टॉर्क हम लोग का पिनियन में ट्रांसफ़र हुआ। अभी पिनियन में लगने वाला टॉर्क है, तो इसके लिए पिनियन में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, F-2T/D1। अतः अब इसमें पिनियन में लगने वाला फोर्स ये है, अब इसी फोर्स के साथ ये अपने टॉर्क को किस में ट्रांसफ़र करेगा, गियर व्हील्स में ट्रांसफ़र करेगा, यही टॉर्क। अब ये फोर्स के साथ ये अपने टॉर्क को किस में ट्रांसफ़र करेगा, गियर व्हील्स में, और गियर व्हील्स के बाद जितना टॉर्क इसमें लगेगा उतना रोड व्हील्स में लगेगा। ठीक, ये किसके लिए फोर्स है, पिनियन में लगने वाला फोर्स। तो वो गियर व्हील्स में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग पहले रोड व्हील्स और गियर व्हील्स के लिए भी क्या निकाल लेते हैं, हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं कितना फोर्स लगेगा। अब गियर व्हील्स के लिए निकाले तो इसमें लगने वाला टॉर्क क्या हो जाएगा, इसमें लगने वाला टॉर्क हो जाएगा F-/ गियर व्हील्स का हम लोग का डायमीटर है D/2, और रोड व्हील्स के लिए डायमीटर है D, तो इसके लिए, और इसमें लगने वाला फोर्स है F, तो F D/2। अब दोनों के लिए हम लोग फोर्स लगा लेते हैं, इसके लिए F- हो जाएगा D2T/D, और इसके लिए लगने वाला फोर्स D2T/D। अब टोटल इफिशेंसी क्या होगा, अब टोटल इफिशेंसी हम लोग का हो जाएगा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अब ये आउटपुट पावर इनपुट पावर कहाँ कहाँ है, ये आउटपुट पावर हम लोग का रोड व्हील्स के लिए, रोड व्हील्स में जितना पावर होगा उसके आउटपुट पावर है, और गियर व्हील्स में जो उसके पावर जो होगा वो इनपुट पावर है। तो पावर इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर स्पीड,
ये एंगुलर स्पीड गियर व्हील्स के लिए रहेगा और ये टॉर्क गियर व्हील्स के लिए रहेगा और इसका एंगुलर स्पीड गियर व्हील्स के लिए रहेगा, ठीक। ये रोड व्हील्स के लिए रहेगा, ये गियर व्हील्स के लिए रहेगा, क्योंकि आउटर में जितना भी ये रहेगा ये आउटपुट है, तो आउटपुट हम लोग का रोड व्हील्स के लिए रहेगा और इनका इनपुट गियर व्हील्स के लिए रहेगा, ठीक। अब यहाँ पास दोनों का जो एंगुलर स्पीड रहेगा किसका, रोड व्हील्स और गियर व्हील्स का, क्या रहेगा, इक्वल रहता है। जो रोड व्हील्स और गियर व्हील्स का जो एंगुलर स्पीड रहता है वो सेम रहता है, तो इन दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो टोटल हम लोग का इफिशेंसी हो गया आउटपुट टॉर्क डिवाइडेड बाय इनपुट टॉर्क। इनपुट टॉर्क गियर टॉर्क होगा और आउटपुट टॉर्क रोड व्हील्स का टॉर्क होगा, ठीक। अब ये टॉर्क कितना कितना है हम लोग का देखते हैं। दोनों के लिए हम लोग टॉर्क निकाल चुके हैं, ये किसके लिए था, ये टॉर्क हम लोग का गियर व्हील्स के लिए था और ये टॉर्क हम लोग का रोड व्हील्स के लिए था, तो दोनों के वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। ये पहले रोड व्हील का टॉर्क कितना है हम लोग के पास, एफ डैस डी डिवाइडेड बाय टू, ये हम लोग का पहले आउटपुट का रखना है और आउटपुट हम लोग का रोड व्हील्स का है, तो आउटपुट में ये कैपिटल डी आएगा। आउटपुट टॉर्क हम लोग का एफ डी डिवाइडेड बाय टू। अब इसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका टॉर्क हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा टू अपॉन एफ डैश अपॉन डी, तो डी डी कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग का इफिशेंसी हो जाएगा एफ डी डिवाइडेड बाय एफ डैश डी। तो टोटल अब हम लोग का एफर्ट क्या होगा, टोटल हम लोग का एफर्ट हो जाएगा इफिशेंसी एफ डैश डी डिवाइडेड बाय ये डी, यहाँ पास आ जाएगा डी। ये टोटल लगने वाला एफर्ट है किसमें, व्हील्स में, गियर रोड व्हील्स में, जो रोड में व्हील्स ट्रेवल होगा या मूवमेंट होगा उसके लिए इतना एफर्ट हम लोग को चाहिए। अब एफ डैश का वैल्यू यहाँ पर से हम लोग पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इफिशेंसी टू टी डी अपॉन डी डैश डी, ये हम लोग का रहा टोटल एफर्ट। अब यहाँ पर हम लोग डी अपॉन डी डैश को गियर रेशियो कहते हैं, गियर रेशियो को गामा से शो करते हैं, तो हम लोग का फाइनली हम लोग का ट्रैक्टिव एफर्ट हो जाएगा टू टी अपॉन कैपिटल डी इंटू ये हम लोग का टोटल रोड में ट्रेवल्स करने के लिए, ये रोड में ट्रेवल करने के लिए नहीं, ये टोटल गियर व्हील में लगने वाला क्या है, एफर्ट है, फोर्स। अब नेक्स्ट बार हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट पढ़ेंगे, तो ट्रैक में ट्रैवल करने के लिए हम लोग को कितना एफर्ट चाहिए उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये व्हील्स पे लगने वाला ट्रैक्टिव, ये व्हील में लगने वाला ट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक। अभी हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स इसमें निकाले, अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें ट्रैक में ट्रैवल होने के लिए कितना एफर्ट लगेगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग ट्रेन मैकेनिज्म ऑफ ट्रेन मूवमेंट पूछेगा, तो आपको ये वाला डेरिवेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ गामा गियर रेशियो है, जो डी डिवाइडेड बाय डी डेस होता है, जहाँ डी हम लोग का डायमीटर ऑफ गियर व्हील्स का है और डी डेस हम लोग का डायमीटर ऑफ पिनियन का है, ठीक। ओके फ्रेंड, थैंक यू।